तो ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे को लेकर लगातार ओवैसी की तरफ से अलग अलग बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात गाजीपुर की करते हैं। शिक्षा माफिया की 2.60 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। शिक्षा माफिया राजेंद्र सिंह कुशवाहा की संपत्ति कुर्क की गई है। शिक्षा माफिया का ITI कॉलेज किया गया है कुर्क और SDM CEO सिटी ने नेतृत्व में कुर्की की कार्रवाई की गई। सदर कोतवाली के आदर्श गांव में है ITI कॉलेज। पॉलिटेक्निक और टेट परीक्षा में नकल का आरोप है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कुर्की की कार्रवाई की गई है। दरअसल आपको बता दें, कुर्की की कार्रवाई शिक्षा विभाग की 2.60 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। शिक्षा माफिया राजेंद्र सिंह कुशवाहा की यह संपत्ति कुर्क की गई है। इस कुर्की की कार्रवाई के दौरान आपको बता दें, शिक्षा माफिया का ITI कॉलेज कुर्क किया गया है और ये सूचना पूरी तरीके से पुलिस की पूरी टीम मौजूद रही और कुर्की की कार्रवाई के दौरान जो संपत्ति है उसको पूरी तरीके से कुर्क कर लिया गया है और ये जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है। इस दौरान पूरे बाइक के जरिए ये जानकारी देते हुए नजर आए SDM CEO सिटी के नेतृत्व में कुर्की की ये कार्रवाई की गई। आलोक त्रिपाठी इस वक्त संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। आलोक, एक बड़ा घपला और आज कुर्की की कार्रवाई की गई। जी, मैं बता दूं कि 2016 का मामला है, जब पॉलिटेक्निक कॉलेज की परीक्षा हुई थी उस दौरान एक ही विद्यालय से 10 छात्र जो है टॉप 10 में आए थे। फिर उसके बाद टेट की परीक्षा में STF ने वाराणसी जो है वहाँ छापेमारी की थी और वहाँ पे सामूहिक नकल के मामले में गिरफ्तारी मतलब पकड़े गए थे। उसके बाद जो है वो कार्रवाई हुई, उसी दौरान ये मामला दर्ज हुआ और लगातार शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा, राजेंद्र कुशवाहा और पारसनाथ कुशवाहा जो गैंग लीडर हैं, इनके खिलाफ लगातार जिला प्रशासन का डंडा चल रहा है। अगर हम अब तक की बात करें तो कुल 27 करोड़ 81 लाख के आसपास की उनकी संपत्ति जो है कुर्क की गई है और आज की जो कार्रवाई है SDM और CEO सिटी के नेतृत्व में तकरीबन 2.60 करोड़ 94 हजार की संपत्ति को जो है कुर्क किया गया है। हालांकि इस तरह के लगातार शिक्षा माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन का लगातार डंडा चल रहा है, जो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से कुर्क की कार्रवाई की गई है। जी ठीक है, क्या आलोक अभी और इस तरीके की कार्रवाई उन पर हो सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ ITI कॉलेज की कुर्की की गई है। जी, इससे पहले मैं बता दूं कि उनके इंटर कॉलेज और तमाम ऐसे विद्यालय हैं जो अर्धनिर्मित थे उसको भी कुर्क की गई है, लेकिन ये ITI कॉलेज इनका बचा हुआ था। आज जिला प्रशासन द्वारा इनको भी DM के निर्देश पे कुर्क की कार्रवाई की गई है और ऐसे ही लगातार उनके खिलाफ जिला प्रशासन का डंडा चलता रहेगा। वही नहीं, लगातार माफियाओं के खिलाफ। ठीक है, चलिए आलोक, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल ओवैसी